उसारा भगता ने चढ़ गए रंगी मैया थारे नाम को क्या बात है राम जी तो बिल्कुल यही सुनोगे उससे पर एक भजन माता जी का सुनिएगा किसी चल रहा था ही गांव अरणिया हाथ सोनो जिटी मनीषा मां तारो धाम मनसा पूर्ण करी माता जी उरी सारे सबरा का सारी सपिरा का जी शरण में आयो थारी हे अरण्या मन सामात लाज रख लीजे भगतोरी ओर मारी। देखिए साहब ये ऐतिहासिक जानकारी मुझे कुछ चंद बुजुर्गों से मिलती है, कोई कमी हो जावे कोई गलती रह जावे आप लोग सुधार कर लेना उसको। उमरी मनसा माता आपी बड़ी उपकारी हो जी री भगतायु पर कृपा की जो उतर सेविका पर कृपा की जो घाव अरण्य के माइयों मनसा माता आपी बड़ा उपकारी हरियाणा के पास भी एक बहुत बड़ा शहर है रेवाड़ी हरियाणा के पास भी एक बहुत बड़ा शहर है रेवाड़ी और रेवाड़ी के पास में छोटा सा गांव है उसका नाम है खुडानिया। खुडानिया गांव से हेमराज जी नाम के यादव, हेमराज जी मेहर लगता था उनके पीछे, वो यादव साहब अपने परिवार अपने कुछ जातियों के साथ वो यहाँ पर आए थे। कहाँ से आए थे? हरियाणा रेवाड़ी खुडानिया गांव से। अरे हरियाणा में शहर रेवाड़ी और खुडानिया गांव कृपा की जो भगिताऊ
हिमराज जी यादव जिनके पीछे मयूर भी लगता था, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के, अपने कुछ जाति समाज के भाइयों को लेकर के यहाँ आए। अभी विचार करना कि वो तो राहगीर थे, चलने वाले इंसान थे, वो रुके क्यों? आपका गांव का नाम है अरनिया, क्योंकि भक्तों जब हेमराज जी यहाँ पधारे थे उस समय इस क्षेत्र में अरनिया पौधा बहुत ज्यादा लगा हुआ था। उसकी तादाद को देखते इस गांव का नाम क्या रख दिया? अरनिया रख दिया। लेकिन बात ये नहीं, बात ये कि वो लोग यहाँ क्यों रुके? वो यहाँ से 2 किलोमीटर उधर भी रुक सकते थे, 2 किलोमीटर इधर भी रुक जाते, लेकिन उन्होंने यही क्यों अपना गांव स्थापित किया? तो उनके साथ एक बिना नाम की ब्राह्मणी थी, एक बहन थी जिनका नाम था बिना ब्राह्मणी। वो अपनी छापड़ी में, छापड़ी समझते ना सब, हाँ जी, अपनी छापड़ी में कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र कांगड़ा, वहां पर नगर कोट से वो क्या किया, माता जी की मूर्ति लेके, एक मनसा माता नहीं है, उनकी मूर्ति उस छापड़े में रखी थी, और एक छोटा सा पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ और दूसरा मनसा माता की मूर्ति उनकी छापड़ी में थी। रात विश्राम करने के, यहाँ कोई स्थायी तौर पर रुकने के लिए वो नहीं आए थे, यहाँ पर तो लघु विश्राम के लिए कोई थोड़ी देर के रुक जाएंगे या नाइट विश्राम कर लेंगे। रात को वो बिना ब्राह्मणी अपने छपड़ी को जब जमीन पर रख देती है, साथ पूरा जो कुनबा है यादव परिवार है उनके साथ जो आने वाले जातियों के लोग सब रह करके रेस्ट कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसी रात उस छापड़ी में जो पीपल का छोटा सा पौधा था साहब, वो पीपल का पौधा यहाँ पर उसने जड़ पकड़ ली और जमीन में उसने अपनी जड़ें फैला दी थी। अब जब सुबह सब रवाना होने लगे, इतने में उस बिना ब्राह्मणी ने देखा, उस बहन ने देखा, उस मिश्रानी ने देखा कि जैसे ही वो अपनी छापड़ी को उठाने लगी तो उसने देखा कि जो पीपल की जड़ है, वो पीपल आपको पता हम लोग पीपलों कितना पवित्र मानते हैं सर, वो पीपल की जड़ें जमीन में प्रवेश कर चुकी थी। उस समय हेमराज जी ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि भाई इतनी शाश्वत, इतनी पवित्र भूमि है कि छापड़ी में रखी हुई पीपल की जड़ें भी यहाँ हरी हो गई, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपना गांव स्थापित किया। यानी जैसे मारवाड़ी में बोला छड़ीबंद गांव, ये छड़ीबंद गांव हेमराज जी का बसाया हुआ है। सुनिएगा, अरे नगरी कोट हिमाचल कांगड़ा बिना ब्राह्मणी आई, छापी नहीं पीपल आई, छापी प्रतिष्ठा रखी गई, और आज आप देख रहे हैं अरनिया गांव में इतना सुंदर मां मनसा का पवित्र ये मंदिर बना हुआ है। 1997 नींव लगाई, 1997 में नींव लगाई अरनिया गांव की माई, तो 2004 की तो साल में, 2004 की तो साल में वो मंदिर प्रतिष्ठा कराई।
पूरी रात ही मैं माता जी की महिमा गाऊं तो इनके अनंत पर्चे हैं वो खत्म नहीं होंगे, और भी कलाकार तैयार हैं। माता जी के मुख्य रूप से चार चमत्कार है मेरी बहनों, मेरे भाई लोगों। पहला चमत्कार, आज की जो नवयुग पीढ़ी, शायद आपको पता नहीं होगा, बुजुर्गों से पूछना, बड़ेरों से पूछना, जब अपने अनिया गांव में चोर आते थे, जब अपने गांव में चोर आते तो माता जी अपने मुंह से सबको चेतन करती थी कि अपने गांव में चोरों का प्रवेश हो चुका है। ये माता जी का चमत्कार था। दूसरा, गांव में जब कभी कोई अनहोनी होने वाली हो या कभी आग लग जाती तो माता जी सबको सूचित करते थे। ये माता जी का दूसरा पर्चा। तीसरा पर्चा माता जी का, भक्तों आज भी चमत्कार है कि तमाम पूरे क्षेत्र में ओले गिर जाएं। मारवाड़ी में बोला भी नहीं अपन गड़ा, पता इधर आपके होते होंगे ओलावृष्टि होती है ना, जब ओले बर्फ के ओले गिरते हैं बरसात के साथ, लेकिन माता जी का साक्षात चमत्कार है साहब। इस अरण्या के लगभग दो दो तीन तीन पांच पांच किलोमीटर की परिधि में कभी भी इस गांव में ओले नहीं गिरते, और इसका प्रमाण अगर पूछना है तो अपने पूर्वजों से, अपने बड़ेरों से पूछना कि इनकी आज 100 वर्ष की उम्र हुई है, 100 वर्ष की उम्र में इस अरण्या में कभी ओलावृष्टि नहीं हुई। ये चमत्कार भी किसका है? मनसा माता, बड़े प्रेम से बोलो, बोलो मनसा माता की। और सच्ची रीत से माता जी ने जो कुछ भी मांग लिया उसका बेड़ा पार है। अंतिम सब सुनिएगा, चोरी आता तब मुंडी बोलती, पहला पर्चा, अरे मन सा पूर्ण कराई, अरे अरणिया मीना ओला पड़िया, अरणिया मीना ओला पड़िया, मन सा माता री कृपा भाई हो, मन सा माता आप बड़ी उपकारी। अंतिम आपके साथ इस माता जी के भजन को ये समाप्त कर रहा हूँ। अरे गोहटी ब्राह्मण, और माता जी की जो पूजा करने वाली पुजारी है वो गोल गुसरी ब्राह्मण है। अरे गोहटी ब्राह्मण मनसा मैया उठारी कही जी पुजारी हो जी, अरे गांव अरणिया में बचनी बना कर, अरणिया गांव में मनसा माता को बचनी बना कर, अजमेरों माता मनसा माता
मेरा प्यार।